अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ख़वातीन और बच्चियों के हकूक़ के हवाले से जो हमारी सीरियल है आपको बहुत पसंद आई। आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो ये है कि बेटियों की पैदाइश आज भी मायूब क्यों समझी जाती है। जी नाज़रीन, आपको एक किस्सा सुनाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जब आप अपने बंदे पर मेहरबान होते हैं तो क्या अता करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर शादीशुदा हो तो बेटी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, अगर आप और मेहरबान हो तो क्या अता करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तो मैं दूसरी बेटी अता करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, या अल्लाह, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं तो आप क्या अता करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तीसरी भी बेटी ही अता करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं अपने बंदे को बेटा अता करता हूँ तो इस बेटे को बोलता हूँ, जाओ अपने बाप का बाजू बन जाओ, और जब बेटी अता करता हूँ तो मुझे अपनी खुदाई की कसम, मैं इसके बाप का बाजू खुद बनूँगा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। नाज़रीन, एक बात मुझे हमेशा से बड़ी दुख देती है कि जब हम बेटियों की पैदाइश की बात करते हैं तो आज भी बहुत सारे घरानों में बेटियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता है। आइए हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाते हैं जिसकी पैदाइश की वजह से उसकी वालदा पे और उसको ताने सुनने पड़े। आइए उस बच्ची से मिलते हैं। कि बेटियां क्यों पैदा होती हैं ना, तो जैसा कि आजकल दौर जो चल रहा है ये वाला, और इसमें सब जो हैं कि बेटियों को बहुत बुरा समझते हैं कि बेटी पैदा हो गई है और ये तो वो, तो पहले के दौर में भी हालांकि ये सब होता था हमें, और जब दोनों एक ही माँ बाप एक ही हैं, तो बच्चे भी उनके ही हैं, तो फिर क्यों बुरा समझा जाता है उनको। और इवन यहाँ तक कि हमारे खुद, मेरे साथ खुद, मतलब हमारी, हम माशाल्लाह से 6 बहनें हैं, तो जब मेरी बड़ी सिस्टर पैदा हुई तो ख़ानदान वालों ने बातें की कि बेटी हो गई है। इवन मेरे तायाबू बोले, बेटी हो गई है, लेगा कौन, शादी कौन करेगा इससे। और फिर मैं हो गई, और फिर इन्होंने फिर मेरी मामा को कहा कि अब दूसरी बेटी हो गई है, अब क्या होगा इसका, इसके तो बेटे नहीं हैं। माँ जो बेचारी उसको इतने दर्द दे के पैदा करती है, उसको क्यों इतना वो समझा जाता है बुरा, सास उसकी सलूक गंदा करेगी, उसके पास वननाने और ये तो सारे चिपक जाते हैं, क्यों आप लोग की, आप लोग किसी की बेटी नहीं हो। तो ये चीज़ें बहुत आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो इवन हमारे खुद के बाप ने हमें घर से निकाल दिया था कि हम 6 बहनें, तो हमें घर से कहते थे कि बोझ है मुझ पे, ये है वो है, तो हम माशाल्लाह से फिर हम वापस अपने, हम स्टैंड पे आई, हम खड़ी हुई। बेटी की पैदाइश को क्यों गलत समझा जाता है कि उस बेटी पैदा होती है तो क्या उसका नाम कहते हैं मनहूस पैदा हो गई है, और इवन इसमें कसूर तो माँ का भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपने इख्तियार में ये चीज़ रखी है, इंसानों के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने बेटी दी है तो वो कहते हैं जी ये है वो है, तुमने बेटी पैदा की है, माँ को बोलते हैं तुमने बेटी पैदा क्यों की है। तो सबसे यही है कि बेटी को बोझ ना समझे अपने ऊपर, बेटी को क्या उसका नाम है अपना गरूर समझे कि वो आपका गरूर है, वो आपको कभी भी, अगर आप उसको साथ लेके चलो तो वो कभी भी आपको जो है ना छुपने नहीं देगी, वो बहुत ख्याल रखेगी। इवन यहाँ तक कि जब उसकी शादी भी हो रही होती है ना, तब भी वो अपने माँ बाप का सोच के चलती है कि मैंने कदम उठाना है तो कैसे उठाना है, मैंने, मेरे पीछे माँ बाप, वो अपने बारे में नहीं सोचती, वो अपने माँ बाप के बारे में सोचती है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं सोचते अपनी बेटियों के बारे में? मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि बेटियों को सपोर्ट करें, बेटियों को बोझ नहीं समझे, उनको अपना जिगर समझें, अपनी जान समझें, तो वो आपको कभी भी झुकने नहीं देंगी किसी भी मुकाम पे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उस बच्ची का नाम मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन उसका मसला हमारा और आपका मसला है, और इस मसले के हवाले से हम आपको जाते जाते ये बता दें कि हम फर्दन फर्दन इंटरव्यूज़ सीरियल वाइज करेंगे मुख्तलिफ समाजी कारकुन के, कि हमारा जो पैगाम है वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ जब कोई बेटी पैदा हो रही हो तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें हों। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा। अल्लाह।